Hello students, today we'll do second chapter. The name of the chapter is Amazing Pets and the theme of the chapter is Life Underwater. It means इस chapter में हम जो है aquatic animals, aquatic life के बारे में read out करने वाले हैं. Let's start the chapter. It was a pleasant day and I had just finished all my work and was waiting for Divyam. ये एक pleasant day था. अभी मैंने अपने सभी काम finish किए और मैं Divyam के लिए wait कर रही थी. बेटा यहाँ पर जो ये I word use किया गया है ये Divyam की mother के लिए use किया गया है. So Divyam की mother Divyam के लिए wait कर रही थी. It had been so long और ये बहुत लंबा time हो चुका था. I remember that last time as I was free to wait for him was 6 months back when my mother was here. वो कहती है कि मुझे remember है, मुझे याद है कि मैं last time कब free हुई थी और मैंने उसके साथ Divyam के साथ time spend किया था और वो था 6 months पहले जब उनकी mother यहाँ पर थी. The rigmarole, rigmarole means complicated. The rigmarole of household chores never left me any time to spend with him. और ये जो complicated household chores की वजह से जो इनका time table बना हुआ है इसकी वजह से उन्हें कभी time नहीं मिलता है Divyam के साथ spend करने के लिए. Today finally I decided that enough was enough. और today आज वो decide करती हैं कि enough ये बहुत हो चुका है. अब वो decide करती हैं कि हाँ अब वो Divyam के साथ टाइम स्पेंड करेंगे. आई हैड टू स्पेंड मोर टाइम विद Divyam टू नो हिम बेटर. और मुझे Divyam को अच्छी तरह से जानने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. टू नो आफ्टर ऑल ही वॉज ऑलमोस्ट अ टीनेजर नाउ. और आफ्टर ऑल अब वो जो है ऑलमोस्ट एक टीनेजर. टीनेजर मीन्स द एज बिटवीन 13 to 19 ईयर्स. 13 से 19 ईयर्स के बीच की जो एज होती है बेटा दैट इज कॉल्ड टीनेज. ओके. और जो उस एज में जो भी पर्सन होते हैं जो चिल्ड्रन होते हैं दैट आर कॉल्ड टीनेजर्स. ओके. सो वो जो है अभी टीनेजर होने वाला है. इट मीन्स कि 13 ईयर्स का होने वाला है और उसके बाद टीनेजर वो हो जाएगा तो मुझे जो है उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसे अच्छी तरह से जानना भी चाहिए. लॉस्ट इन माई थाट्स आई हैड लॉस्ट काउंट ऑफ टाइम. लॉस्ट इन माई थाट्स वो अपने इन्हीं विचारों में अपने इन्हीं थाट्स में खो जाती हैं और टाइम को देखना भूल जाती हैं. सडनली आई लुकड एट द बिग ग्रैंड फादर्स क्लॉक हैंगिंग ओवर द वॉल. इट वॉज 2:30 PM एंड Divyam वॉज लेट बाई एन आवर. और सडनली वो जो है वॉल पर टंगी हुई ग्रैंड फादर्स की क्लॉक को देखती हैं और अब टाइम हो चुका था 2:30 का और Divyam वॉज लेट बाई एन आवर. और Divyam जो है 1 घंटा लेट था. इट मीन्स Divyam नॉर्मली 1:30 पे घर आता था और आज 2:30 हो चुके थे. अभी तक भी वो घर नहीं आया था. I had just started to wonder when I heard a loud shout of joy. It was Divyam. और मैं जो है आप वंडर सरप्राइज हो जाती हूँ जब एक लाउड नॉइस सुनती हूँ और ये आवाज़ किसकी थी? Divyam की थी. He was shouting at the top of his voice, "Mom, I want an aquarium for myself." He was shouting at the top of his voice. At the top of his voice means बेटा जितना तेज वो कर सकता था, जितना तेज वो चिल्ला सकता था उतना तेज वो चिल्लाता है और कहता है कि मॉम मुझे अपने लिए एक एक्वेरियम चाहिए. कैन वी बाय वन? क्या हम एक खरीद सकते हैं? प्लीज़ वी कैन कीप कलरफुल फिश एट पैट्स. You don't allow me to keep a cat or a dog. You say that they dirty the house. आप मुझे कोई भी कैट या डॉग रखने के लिए अलाउ नहीं करते हैं. आप कहते हैं कि ये जो है घर को गंदा कर देते हैं. बट क्या हम कलरफुल फिश को एज अ पेट रख सकते हैं? फिश शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम आई एम श्योर. और आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि फिश आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं, फिशेज से आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वाई डू यू वॉन्ट एन एक्वेरियम? आई क्वेश्चन. फिर Divyam की मदर उससे क्वेश्चन करती हैं कि तुम्हें एक्वेरियम की ज़रूरत क्यों है? ही हैड ऑलरेडी एंटिसपेटेड द क्वेश्चन. उसने पहले ही इस क्वेश्चन को एंटिसपेट मीन्स एक्सपेक्ट. वो उसने पहले इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर लिया था कि हाँ मदर मम्मा जो है इस क्वेश्चन को मुझसे पूछने वाली हैं कि मुझे एक्वेरियम की क्या ज़रूरत है. पेट केम हिज रिप्लाई. वी हैन एक्वेरियम इन स्कूल. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. फिश स्विम इन इट एंड दे डू नॉट नीड लुकिंग आफ्टर. वो पेट, पेट मीन्स एग्जैक्टली राइट फॉर द ओकेजन. मीन्स बिना सोचे वो एकदम से रिप्लाई करता है कि हमारे पास स्कूल में भी एक एक्वेरियम है, वो बहुत ब्यूटिफुल है. फिश उसके अंदर स्विम करती हैं और उन्हें जो है ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है. मीन्स ज़्यादा केयर उनकी नहीं करनी पड़ती है. मॉम प्लीज़ लेट्स गेट एन एक्वेरियम. फिर जो है Divyam अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ गेट एन एक्वेरियम. नॉट अ बैड आइडिया आई थॉट. उसकी मदर सोचती हैं कि ये कोई बैड आइडिया नहीं है. फिश विल ब्रिंग सम
कलर एंड लाइवलीनेस इन टू द हाउस, द हाउस डेफिनेटली नीड्स इट। फिश जो है घर में कलर और लाइवलीनेस लेकर आती हैं और घर को उनकी ज़रूरत भी है। बिसाइड्स एक्वेरियम फिश कीपिंग हैज़ ऑलवेज बीन पॉपुलर हॉबी एंड अ ब्यूटिफुल फिश टैंक इज नीडिड अ मैग्निफिसेंट साइट। देन आई हर्ड माई सेल्फ से अलाउड ओके दिव्यम। आप इसके अलावा जो एक्वेरियम में जो फिश होती हैं, एक्वेरियम रखना यानी कि घर में एक्वेरियम रखना एक ब्यूटीफुल हॉबी भी है, एक बहुत सॉरी पॉपुलर हॉबी भी है। और जो ये एक्वेरियम का ब्यूटीफुल टैंक जो होता है वो घर में एक मैग्निफिसेंट मींस मार्वलस साइट लेकर आता है, मार्वलस व्यू मींस बहुत अच्छा लगता है एक्वेरियम जब घर में रखा हुआ होता है। देन आई हर्ड माई सेल्फ से अलाउड ओके दिव्यम, फिर मैं अपने आप को सुनती हूँ, मीन्स उसकी मदर अपने आप की सुनती हैं जो वो मन में सोच रही थी इसके बारे में कि हाँ फिश जो है कलर्स लेकर आती हैं और घर में एक्वेरियम रखा होगा तो वो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देगा। और दिव्यम को कहती हैं ओके दिव्यम ठीक है, वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ वो फिश लेकर आने वाले हैं। नाउ All that was left was to decide what kind of fish was to be bought. अब जो बचा था वो ये था कि ये decide करना था कि किस type के fish हम घर पर लेकर आएंगे। We debated for a while and finally I told Divyam, since this is your idea and it is going to be your responsibility to look after the aquarium. और फिर हमने जो है इस चीज़ के ऊपर कि हम किस टाइप के फिश को घर पर लेकर आने वाले हैं इसके लिए थोड़ी देर के लिए हमने डिबेट किया, मीन्स डिस्कस किया। और फिर फाइनली मैंने दिव्यम को कहा कि घर में फिश लाने का, एक्वेरियम लाने का तुम्हारा आइडिया है, इसीलिए एक्वेरियम का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर तुम्हारी ही होगी। आई कुड सी दिव्यम स्माइल बॉर्डनिंग, बॉर्डनिंग मीन्स इंक्रीजिंग। मैं देख सकती थी कि दिव्यम की स्माइल इंक्रीज हो रही है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। आई टू वॉज हैप्पी बट कॉन्टिन्यू, फिश कीपिंग इज़ नॉट ईजी जॉब, यू नीड टू रिसर्च एंड नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट इट। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी बट कॉन्टिन्यू आगे बोलते हुए कहती हूँ कि फ़िश कीपिंग, फ़िश को रखना कोई ईजी जॉब नहीं है। आपको जो है फ़िश के बारे में हर एक चीज़ को रिसर्च करना होगा, हर एक चीज़ उनके बारे में पता होनी चाहिए। वी विल बाय ओनली 2 फिश नाउ, इफ़ यू डू अ गुड जॉब वी विल बाय मोर, इज़ दैट फाइन विद यू? अब इस टाइम पर हम सिर्फ 2 फिश लेकर आएंगे, अगर तुम अच्छा काम करते हो मीन्स अच्छे से उनकी केयर करते हो तो हम जो है फिर और ज़्यादा फिश लेकर आएंगे। इज़ इट ओके विद यू? क्या सही है ये, ठीक है? दिव्यम थॉट फॉर अ वाइल एंड आई एम फाइनली सीइंग दैट आई हैड मेड अप माई माइंड ही सेड ओके अग्रीड। दिव्यम जो है थोड़े टाइम के लिए सोचता है और फाइनली वो देखता है कि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ और फिर वो कहता है कि ठीक है ओके आई अग्रीड, वो अग्री करता है। आई विल रिसर्च एंड गिव यू द नेम्स बाय टुडे इवनिंग, वो कहता है कि अब मैं रिसर्च करूँगा और आज शाम तक मैं आपको उन फिश के नेम दे दूँगा जो हम घर पर लाने वाले हैं। आई गॉट बिजी विद माई वर्क एंड बाई 4:30 वो टायर्ड एंड डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट नैप। मैं अपने काम के साथ बिजी हो गई और 4:30 मैं जब काम करते हुए थक गई तो मैंने एक शॉर्ट नैप, नैप मीन्स अ शॉर्ट स्लीप, थोड़ी देर के लिए सोने के लिए डिसाइड किया। आई हैड बार्ली स्लेप्ट अ विंक, बार्ली स्लेप्ट अ विंक मीन्स डिड नॉट स्लीप एट ऑल, अभी मैं सोई ही नहीं थी। When I was awoken by a loud sound, कि एक loud sound ने मुझे जगा दिया। दिव्यम was back from the local library and was jumping up and down. दिव्यम जो है local library से वापस आ गया था और jump and up and down और up and down वो jump कर रहा था। I could sense that he was bursting with excitement. मैं समझ सकती थी कि वो excitement से ये सब कर रहा है। Out with it. What is it now? I inquired. मैंने इंक्वायर किया, मैंने पूछा कि हाँ अब क्या हुआ। He blurted out. Blurted means said something without thinking, बिना सोचे कुछ कहना। वो बिना सोचे समझे कुछ कहता है। I have shortlisted 4 most beautiful fish in the world. It was very hard to choose 2 from them. मैंने इस वर्ल्ड में वर्ल्ड की सबसे 4 मोस्ट ब्यूटीफुल फिश को सिलेक्ट किया है और उनमें से 2 को चूज़ करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट दैम, इनफैक्ट उनके बारे में पढ़ना भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कैन वी गो एंड गेट दैम ऑल नाउ? सी
आई ब्रॉट कलर प्रिंट आउट्स फॉर यू। और फिर दिव्यम कहता है कि क्या हम सभी ला सकते हैं, और वो कहता है कि देखिए मैं आपके लिए इन फिश के प्रिंट आउट्स भी निकाल कर लेकर आया हूँ। सी यू कैन सी हियर बेटा, दीज आर द प्रिंट आउट्स। ओके, आई मस्ट एडमिट द पिक्चर्स लुक ब्यूटिफुल एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड। मैं एडमिट करती थी, हाँ मैंने मान लिया था कि पिक्चर्स बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल थी और मैं उन पिक्चर्स को देख कर इम्प्रेस भी हुई। दिव्यम्स एंथुजियाज्म टू गेट न्यू मेम्बर्स ऑफ द हाउस, न्यू मेम्बर्स ऑफ द फैमिली हैड फाइनली स्टार्टेड रबिंग इन इन टू मी। और दिव्यम की जो ये एंथुजियाज्म, उसका जो उत्साह था घर में नए मेंबर लाने का, ये जो है मुझे भी रब करने लगा, यानी कि मैं भी अब ऐसा ही चाहने लगी। रबिंग इन मीन्स अफेक्ट करना, उस चीज़ ने कि दिव्यम की जो एंथुजियाज्म थी उसको देखकर मैं भी अफेक्ट हो गई थी कि भाई हाँ हम घर में नए मेंबर्स लेकर आएंगे। ओके, आई सेड वी हैड डिसाइडेड ऑन टू, मैंने कहा कि हमने दो के लिए डिसाइड किया था। नाउ लेट अस सी विच वंस यू हैव चूजन एंड देन वी कैन शॉर्ट लिस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर टूडे इट्सेल्फ। अब चलो देखते हैं कि तुमने कौन सी चूज़ की हैं और फिर उनमें से हम दो को चूज़ करेंगे, दो को शॉर्ट लिस्ट करेंगे और फिर आज ही उनका ऑर्डर देंगे। ओके ओके, लेट स्टार्ट नाउ, दिव्यम सेड। दिव्यम कहता है कि चलो ठीक है शुरू करते हैं। नाउ लेट मी सी, द फोर आर हियर, फ्लेम एंजल, रिगल टैंग, कॉय एंड मैंड्रिन। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जो फोर फिश थे उनके नेम क्या क्या थे, फ्लेम एंजल, रिगल टैंग, कॉय और मैंड्रिन। आई सेट बोथ ऑफ अस सेट इन रेड टुगेदर, हम दोनों बैठे और हमने जो है इकट्ठा हम दोनों इकट्ठे बैठे और उनके बारे में पढ़ा। आई कुड अंडरस्टैंड वाई इट वॉज हार्ड टू चूज फॉर दिव्यम, अब मैं समझ सकती थी कि दिव्यम के लिए चूज़ करना क्यों इतना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि फोर की फोर जो वो फिश लेकर आया था वो बहुत ब्यूटीफुल थी। दे वर ऑल सो ब्यूटीफुल, सभी जो है बहुत ब्यूटीफुल थी, इसीलिए उनको उनमें से टू को चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। दिव्यम हैड वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग प्रोजेक्ट, और दिव्यम ने इस प्रोजेक्ट को कलेक्ट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत हार्डवर्क किया है। ही डिजर्वड एन एक्वेरियम, अब वो एक एक्वेरियम को डिजर्व करता है। बट आई वॉन्टेड हिम टू वैल्यू दिस गिफ्ट, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपने इस गिफ्ट की वैल्यू को समझे। आई वॉन्टेड टू सरप्राइज हिम टू, और मैं उसे सरप्राइज भी देना चाहती थी। मीन्स उसकी मदर चाहती थी कि वो फोर की फोर फिश घर लेकर आए, बट दिव्यम को वो कह रही थी कि हाँ चलो टू ही लेकर आते हैं। सो वो दिव्यम को सरप्राइज देना चाहती थी। आई आस्क्ड हिम सो विच टू फिश शुड वी बाय, मैंने पूछा सो हम दो इनमें से दो कौन सी लेंगे। ही वॉज स्लाइटली टेकन अबैक, वो थोड़ा सा निराश हो जाता है। ही हैड थॉट आई वुड डिसाइड इट फॉर हिम, He said, honestly, I liked all four and I'm not able to decide. वो कहता है कि honestly मुझे सभी पसंद हैं, चारों के चारों मुझे पसंद हैं और मैं decide नहीं कर पा रहा हूँ कि इनमें से टू हम कौन सी लें। This is the description of the fish बेटा। First one is flame angel. They look different but not beautiful, I said. मैंने कहा कि वो थोड़े से different, अलग दिखाई देते हैं लेकिन इतनी beautiful तो नहीं है। What mom, you must be joking. It has real vibrant colors. What mom, दिव्यम कहता है कि मम्मा क्या आप joking, मजाक कर रहे हैं कि देखिए इनके कितने अच्छे colors हैं। Beside they are easily available and affordable too. और इसके साथ साथ वो easily available भी हैं और affordable भी हैं। Affordable means not expensive, ज़्यादा expensive भी नहीं है। I must admit he had perfect argument for everything. मैं एडमिट कर रही थी कि हाँ हर एक चीज़ के लिए उसके पास परफेक्ट आर्ग्यूमेंट था, मीन्स जितनी वो बातें कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। नाउ रीगल टैंग, नाउ हियर इज़ अ स्ट्रेंज लुकिंग फिश, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डोरी फिश, वट अ स्ट्रेंज नेम, हु वुड बाई इट, इट लुक सो फनी एंड लुक एट इट्स टेल, इट लुक सो शार्प, लुक हियर इट सेज that it has a small retractable blade towards its tail fin. फिर उसकी मदर कहती हैं कि now here strange, अब ये strange looking fish थी, इन्हें dory fish भी कहा जाता है। कितना strange name है, कितना अलग सा ही name है, कौन इन्हें खरीदने वाला है, कौन इन्हें खरीद सकता है इतने अलग से name के साथ। अब देखो ये दिखने में भी कितनी funny है, इसकी tail को देखो कितनी sharp है, and look
हियर इट सेज देन इट हैज़ अ स्मॉल रिट्रैक्टेबल, रिट्रैक्टेबल मीन्स मूविंग बेटा, मूविंग ब्लेड टूवर्ड्स इट्स टेल फिन, उसकी जो टेल है उसके किनारे पर जो है क्या है, एक रिट्रैक्टेबल ब्लेड भी है, यानी कि हिलने वाला ब्लेड भी है. बिफोर दिव्यम कुड सी एनीथिंग, इससे पहले कि दिव्यम कुछ कह पाता, आई कॉन्टिन्यू, यस यस आई नो इट इज़ फॉर डिफेंस बट स्टिल, बट इफ़ यू ऑल आर हर्ट, इससे पहले कि दिव्यम कुछ कह सकता मैंने कॉन्टिन्यू रखा, यस यस मुझे पता है कि वो उसके डिफेंस के लिए है, वो उसकी अपनी रक्षा करने के लिए है, लेकिन अगर उसने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें चोट पहुंचाई तो क्या होगा. बट मॉम दिव्यम सेड क्लियरली, दिव्यम वॉज क्लियरली हर्ट, ओके ओके विल सी. अब दिव्यम क्लियरली पूरी तरह से हर्ट हो जाता है, मीन्स नाराज़ हो जाता है, और वो फिर उसकी मदर कहती है कि चलो चलो ठीक है हम देखते हैं. कोई दे आर जनरली ऑरेंज और वाइट इन कलर, जनरली वो जो है वो ऑरेंज और वाइट कलर में पाई जाती हैं. हाउ एवर दे आर मोर देन अबाउट 100 कलर्स वाइब्रेशंस ऑफ कोय, वेरिएशंस ऑफ कोय. हाउ एवर फिर भी इसके जो है बहुत सारे हंड्रेड्स, ये जो है हंड्रेड्स ऑफ कलर्स में पाई जाती हैं, मीन्स हंड्रेड्स कलर्स की ये फिश पाई जाती हैं. दे कम इन मैनी कलर्स इंक्लूडिंग ऑरेंज, रेड, वाइट, गोल्ड, ब्लैक, वो बहुत सारे कलर्स में आती हैं, जैसे कि ऑरेंज, रेड, वाइट, गोल्ड, ब्लैक. सर्टेन पैटर्न्स आर सोट आफ्टर बाय कीन कोई कलेक्टर्स हु आर रेडी टू पे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज फॉर अ सिंगल फिश, सेड दिव्यम. अब दिव्यम कहता है कि उसके जो कॉय कलेक्टर्स होते हैं, जो उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ पे करने के लिए रेडी रहते हैं, उनकी चॉइस के बेसिस पर इन कॉय फिश को ढूंढा जाता है, यानी कि उनके कलर्स के अकॉर्डिंग उन्हें दिया जाता है. ही कॉन्टिन्यू टॉकिंग अबाउट कॉय, इट डिड नॉट सीम फाइन ऑफ बोथ ऑफ अस. वो जो है कॉय के बारे में कॉन्टिन्यू कर रहा था और ये हम दोनों के ही को ही फाइन नहीं दिखाई दे रही थी, मीन्स कि ये बहुत ही महंगी थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी. नेक्स्ट वन इज मैंड्रिन, इट लुक्स अगली एंड इट सेज हियर इट इज़ अ लेजर नॉन स्पीसीज. ये बहुत ही अगली, अगली मीन्स बैड लुकिंग, वेरी बैड, बहुत भद्दी दिखने वाली थी, और ये कहा जाता है कि इन स्पीसीज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ये ज़्यादा वेल नॉन नहीं है. इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू फीड दैम, और इन्हें फीड करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. वे विल गेट द स्मॉल माइक्रो इन वर्टिब्रेट्स that live within the live rock of coral reef. This is the only food that they eat. फिर दिव्यम की मदर कहती हैं कि इन्हें फीड करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, कि हम कहाँ से स्मॉल माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स लेकर आएंगे. बेटा माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स मीन्स वेरी स्मॉल एनिमल्स विदाउट स्केल्टन, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनके स्केल्टन नहीं होते हैं, तो उन्हीं को ये खाती हैं. सो ये उन्हीं का, उनका जो है मैंड्रिन का यही एक लौता फूड है. सो वो कहती है कि हम कहाँ से लेकर आएंगे जो कि कोरल रीफ्स के अंदर पाए जाते हैं. द ओनली फूड दे ईट, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इनके लिए. दिव्यम सेड बट मॉम दे आर द मोस्ट कलरफुल एंड वाइब्रेंट स्पीसीज एंड दे डू नॉट कॉस्ट मोर देन रुपीज थाउजेंड्स फॉर अ स्पेसिमेन. बट दिव्यम कहता है कि मॉम ये जो है बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट स्पीसीज हैं, और इनके लिए हमें थाउजेंड्स रुपीज से ज़्यादा कॉस्ट करने की, पे करने की ज़रूरत नहीं है. एंड एज फॉर द लाइव कोरल रीफ, I have already talked to our biology lab assistant in our school. He said that he will give me the address of the shop where the school gets it from. और जहाँ तक कोरल रीफ की बात है, यानी कि उनके फूड की बात है, मैं पहले ही हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के लैब, हमारे स्कूल के बायोलॉजी लैब असिस्टेंट से बात कर चुका हूँ. उन्होंने कहा कि वो मुझे उस शॉप का एड्रेस दे देंगे जहाँ से स्कूल में इन फिश के लिए खाना लेकर आया जाता है. I was impressed and there was nothing more that I could say. मैं दिव्यम की इन बातों से बहुत ज़्यादा impressed थी, means दिव्यम की मदर कहती हैं कि वो उनकी बातों से बहुत ज़्यादा impressed थी, कि कितने अच्छे से दिव्यम ने हर एक information को collect किया है, और अब उनके पास ज़्यादा कहने के लिए कुछ भी नहीं था. Okay, let's do one thing. We'll go to shop, fish shop tomorrow and see, I promise. फिर मैंने प्रॉमिस किया कि चलो देखते हैं, काम करते हैं, हम कल जो है फिश शॉप पर जाएंगे और फिर देखते हैं कि कौन सी फिश को परचेज करने वाले हैं. इन माई हार्ट आई हैड डिसाइडेड टू बाई हिम ऑल फोर, लेकिन
उसकी मदर डिसाइड कर चुकी थी कि वो दिव्यम के लिए सभी के सभी 4 की 4 फिश को लेकर आने वाले हैं। आफ्टर ऑल ही डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड फॉर हिज हार्ड वर्क। आफ्टर ऑल उसके हार्ड वर्क के लिए वो सभी 4 की 4 फिश को डिजर्व करता है। इट मीन्स दिव्यम की मदर उन्हें उसे सरप्राइज देना चाहती थी कि 4 की 4 फिश उसके लिए परचेज करके। ओके सो यहाँ पर बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द चैप्टर। यू इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके बाय बाय, कीप लर्निंग।